So as a rider, it's my responsibility to share with you guys these tips that I think it's important for all the riders who love to ride. First of all is that ki agar aap group rides karte hain to aap kuch cheezon ko apne dhyan mein rakho before starting the group rides. Ek ho gaya ki aap apna ek alag sa ek kit banao jisme apna khud ka ek towel rakho, do towels rakh sakte ho aap, ek bottle, water bottle rakho, एक सैनिटाइज़र रखो और एक सोप रखो जो आप खुद यूज़ करते हैं, ठीक है ना. उन्हें किसी और के साथ शेयर मत करो. और इवन कि अपनी पिलियन राइडर को भी कहो कि उसका भी एक अलग सा सेट बनाए. वो अगर आपके साथ अगर कोई आप मतलब कि अगर कोई पिलियन जा रहा है तो उसका भी सेट अलग से होना चाहिए उसके साथ. और वो भी किसी और मेक श्योर कि वो भी किसी और के साथ शेयर ना करे उन चीज़ों को. सो पहले अगर आप ग्रुप राइड्स में हैं तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, अगर कोई मान लो कि किसी को जुकाम है, किसी को सर्दी है, खांसी है या कुछ है, मतलब कि कोल्ड एंड कफ है, तो ऐसा नहीं है कि वो COVID-19 से अटैक्ट है. मेक श्योर दैट कि दैट गाय वो जा कर के अपने नियर बाई हॉस्पिटल से जा कर के अपना चेकअप बढ़िया से करवा ले और अपना श्योर हो जाए कि नहीं वो अटैक नहीं है. क्योंकि अभी फ़िलहाल सभी हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल है कि आप जा कर के अपना चेकअप करवा सकते हो और ये जान सकते हो कि आप अटैक हो कि नहीं. अगर आप अटैक नहीं हो सो आपको डरने वाली बात कुछ भी नहीं है. आप बिंदास अपना राइड करो, इन्जॉय करो अपना राइड, ठीक है ना. क्योंकि अभी ये सीज़न चेंज का टाइम है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम में सभी लोग, फिलहाल हर एक लोग मतलब कि अफेक्टिव रहते हैं कोल्ड एंड कफ से. और मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि हम लोग जैसे कि मान लो कि हम लोग एसी यूज़ करते हैं और हम लोग घर में जैसे कि मान लो कि एसी है तो अगर आपके हर एक रूम में एसी नहीं है तो आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो उसमें भी आपका बॉडी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करता है. उसके बाद फिर आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस घर से अगर ऑफिस जा रहे हैं तो उसके बीच में भी कहीं ना कहीं आप मतलब कि आप एसी का अगर एसी गाड़ी में जा रहे हैं और उतर के फिर आप ऑफिस में गए तो उसमें भी एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आपका मतलब कि बॉडी टेम्परेचर अप डाउन होता है. तो जिसके कारण क्या होता है कि आप ईज़िली आप कोल्ड एंड कफ का शिकार हो जाते हो. फीवर आपको आ जाता है, आपको कोल्ड एंड कफ आ जाता है, आपको जुकाम सर्दी खांसी हो जाता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब कि COVID-19 से आप अटैक हो, ऐसा नहीं है. अगर आप को लगता है कि नहीं ये बहुत दिन से चल रहा है और आप ठीक नहीं हो रहे हो तो कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि WHO ने शेयर किया है, उन सिम्टम्स को आप देखो. अगर वो उसके साथ अगर सिमिलर लगता है कि वो सारे सिम्टम्स हैं तो एक बार जाके अपना चेकअप करवा लो. इसमें कोई बुरा तो नहीं है अगर आप चेकअप करवा रहे हो. और अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि अगर आप चेकअप करवाने के बाद अगर आपको पता चला कि नहीं मतलब कि आप अफेक्टेड हो और आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आप मतलब कि आप जाके प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाओ हॉस्पिटल में. बिकॉज अगर आप ये चीज़ अगर छुपा रहे हो अपने से या अगर आप इस चीज़ को अगर आप कॉन्फिडेंस में ले रहे हो कि नहीं मेरे को हो ही नहीं सकता, मैं कैसे, मेरे मतलब कि कोई पॉसिबल चांसेस है ही नहीं, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, इतना बढ़िया ऑफिस है मेरा, मैं एसी गाड़ी में जाता हूँ, आता हूँ आराम से, घर में अपना रहता हूँ, तो मेरे को कैसे हो सकता है, ठीक है ना. तो इसे अपने कॉन्फिडेंस में मतलब, क्योंकि आपके घर में सिर्फ आप नहीं रहते हो, आपकी पार्टनर रहती हैं, आपके बच्चे रहते हैं, आपके माँ बाप रहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं. और स्पेशली आपके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अगर अफेक्टेड हो गए आपसे तो उनका लॉस ऑफ लाइफ हाईली पॉसिबल हो जाता है. क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम हम लोगों के इम्यून सिस्टम से बहुत ही वीक होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज के हिसाब से भी. जैसे कि अगर हम लोगों के एज के हैं तो इम्यून सिस्टम हम लोगों का जैसे कि स्ट्रॉन्ग है टू फाइट विद दैट वायरस. लेकिन जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे दादा दादी हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही कम होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है. तो उससे क्या होता है कि अगर वो अफेक्टेड हो जाते हैं तो उनका रिकवर होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है. अभी जो दो केसेस हुए उनमें आप देख सकते हो कि उन लोगों का एज बहुत ही ज़्यादा था, लाइक 70 to 80 के बीच में था. तो मेक श्योर दैट कि आप ये चीज़ दिमाग में रखो और राइड करो, कोई दिक्कत नहीं है राइड करने में. अगर आप सोलो राइडिंग भी अगर कर रहे हो तो आप हमेशा उस किट को अपने साथ में रखो. सो अगर आप जा रहे हैं ग्रुप राइडिंग में तो मेक श्योर दैट कि ऑल द ग्रुप मेंबर्स आर सेफ एंड सिक्योर. ओके, किसी को ऐसा कोई अफेक्टेड है नहीं, ठीक है ना. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको अदर ग्रुप राइडर्स लोगों को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप किसी को डाउन नहीं कर रहे हो, आप उसे भी बचा रहे हो और अपने आप को भी बचा रहे हो, ऐसा नहीं है। एक चीज़ और है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं, वो है कि हम लोग शेयर करके खाते हैं, शेयर करके हम लोग बॉटल हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग शेयर करके हम लोग हार्ड ड्रिंक्स भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा अभी करना सही नहीं है। अगर आप राइड पे जा रहे हैं तो अगर आप किसी कैफेटेरिया में बैठ के अगर आप लंच ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं या कहीं होटल में जाके आप कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट कि वो होटल भी साफ़ सुथरा हो या बढ़िया होटल हो या बढ़िया कैफेटेरिया हो जिस जो हाइजीन मेंटेन कर रहा है। तो अगर आप ग्रुप में हैं और आप अपने भाइयों के साथ हैं तो भाईचारे को अभी थोड़ा सा साइड में रखो, क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हो तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा शेयर कम करो, मतलब एक प्लेट में शेयर करो, मतलब खाना शेयर करो, लेकिन एक प्लेट में खाना या एक ही ग्लास में आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या एक ही ग्लास में आप हार्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सलाइवा से भी स्प्रेड होता है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर में बैठ के सिर्फ ये सोचो कि कब ये जाए और कब मैं निकलूँ बाहर, ऐसा नहीं है। आप बिंदास निकलो, आप घूमो फिरो, एंजॉय करो, जो करना है करो, लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो जो चीज़ मैं बताया हूँ उन चीज़ों को आप फॉलो करो। और सो दैट्स इट, अगर इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत फॉलो करो और बिंदास घूमो, बिंदास राइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको नहीं रोक रहा, कोई COVID-19 कुछ नहीं कर सकता आपका, ठीक है। और अगर आप जा रहे हैं ग्रुप राइडिंग्स में तो आप खाना शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपना प्लेट अपना ग्लास आप शेयर मत करो, जितना पॉसिबल हो उतना रेजिस्ट करो अपने आप को। हम लोग भाईचारे में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन अभी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भाईचारा तो है ही, भाई अपने दिल में है तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अगर शेयर अगर इस चीज़ को अगर मेंटेन कर रहे हो, अगर आपका भाई बुरा मान रहा है तो उसे समझाओ कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, उसे बताओ कि ये भी चीज़ें मानना और करना, ये भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अभी इस फिलहाल इस वक्त पे। और उसे भी बोलो कि वो भी फॉलो करे दूसरे राइडर्स उनके साथ। ओके, सो अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं आप जो कि जो मैं मिस कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ शेयर करो। ओके, बिंदास होकर के कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या आइडियाज़ हैं, ताकि हम भी कुछ सीख सकें और बाकी राइडर्स लोग भी आपसे कुछ सीख सकें।